हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा नवरात्रि के ऊपर फोटो एडिटिंग। तो भाई नवरात्रि का और एक से दो दिन ही बाकी रह गया है एंड भाई अभी तक अभी सभी भाई लोगों ने कोई भी फोटो एडिटिंग नहीं की हो, तो गाइज आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। तो गाइज मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आज के वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आप लोग बहुत ही आसान तरीके में कर लोगे। एंड गाइज आज का वीडियो आपको ज़रा सा अभी पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो फिर गाइज चले फिर जल्दी से कमाल की वीडियो के यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं पिक्सआर्ट के अंदर ये वाला बैकग्राउंड को तो मैं ऐड कर लिया हूँ। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद सबसे पहले गाइज आपको सिंपली क्या करना है आपको बताता हूँ, ठीक है। तो गाइज जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल करके यहाँ पे जो एडपोर्ट का ऑप्शन है आप लोग को दिख रहा है, तो इसी एडपोर्ट पर जाकर मेरे मॉडल का फोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं मेरे मॉडल का फोटो को ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो को जिस प्रकार से आपको बढ़ा करके बैकग्राउंड के अंदर एकदम अच्छे तरीके से आपको पहले सेट करना है, जैसे कि भाई लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस प्रकार से एकदम बढ़ा करके लगाऊंगा बैकग्राउंड के अंदर एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो एकदम अच्छे तरीके से मैं सेट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे जो ऐड फोटो का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है ना, तो ऐड फोटो पर जाके एक और पिंच को जल्दी से मैं ऐड करता हूँ, ठीक है गाइज। सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं ये वाला पिंच को ऐड कर चुका हूँ, तो इसको सिंपली आपको बड़ा करके फोरग्राउंड पे लगा देना है, जैसे कि भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना। तो कुछ इस प्रकार से मैं फोरग्राउंड पे लगाऊंगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना, आपको सिंपली डन करके गाइज बैक चलना है। तो गाइज आप लोग को डन करके बैक चलने के बाद इस बार आपको सिंपली क्या करना है गाइज, यहाँ पे जो एडपोर्ट का ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, तो इसी एडपोर्ट पर जाकर और पिंच को ऐड करता हूँ। सो गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैं मेरा तिलक का जो पिंच इसको ऐड कर चुका हूँ, तो इसको सिंपली आपको क्या करना है यहाँ पे छोटा करके जिस प्रकार से मेरे मॉडल के माथे के ऊपर लगाऊंगा, जैसे कि भाई लोग यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिस प्रकार से आपको लगा देना है मॉडल के माथे के ऊपर एकदम अच्छे तरीके से। मैं मतलब तिलक के पिंच को लगाऊंगा, देन आपको ऊपर वाली साइड हल्का सा करके इरेज करना है, देन आपको सिंपली क्या करना है मतलब अभी इरेज करने के बाद सिंपली डन करके गाइस बैक चलना है। देन आपको इस बार क्या करना है, यहाँ पे जो ऐड फोटो का ऑप्शन है गाइस आप लोगों को दिख रहा है, इसी ऐड फोटो पर जाकर जो टेक्स्ट का पिंच नवरात्रि का उसको मैं ऐड करता हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो नवरात्रि का टेक्स्ट पिंच है ना इसको ऐड कर चुका हूँ, इसको सिंपली आपको छोटा करके एक साइड से लगा देना है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइस कुछ इस प्रकार से मतलब एकदम साइड से मैं लगा दूंगा नवरात्रि का टेक्स्ट का पिंच, तो एकदम अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। देन आपको सिंपली गाइस यहाँ पे क्या करना है, आपको डन करके गाइस यहाँ पे सिंपली बैक चलना है। तो गाइस आप लोग को डन करके बैक चलने के बाद इस बार आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो ऐसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना गाइस, यहाँ पे जैसे कि पिक्सआर्ट के अंदर हमारा तो काम कंप्लीट हो चुका है। देन आता है लाइटरूम के अंदर फोटो का क्लिक ग्रेडिंग करना है, यहाँ पे सिंपली फोटो को सेव करके इसी फोटो को लेकर जाऊंगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका हूँ, तो मैं पहले से ही लाइटरूम के अंदर फोटो को तो ऐड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अभी ऑल फोटोज के अंदर टैप करके सबसे पहले तो फोटो कैसे सिंपली ओपन करूँगा। तो गाइज आप लोग को फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले कैसे आपको क्या करना है, आपको जाना है ऐसे लाइट वाला टूल्स के अंदर। तो लाइट टूल्स के अंदर आके सबसे पहले फोटो का लाइट को एडजस्ट करूँगा, तो यहाँ पे एक्सपोजर बढ़ाऊंगा मतलब एक्सपोजर का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रास्ट को एंड हाईलाइट को थोड़ा सा कम करके आपको शेडोज को बढ़ा लेना है कुछ इस प्रकार से, एंड यहाँ पे व्हाइट को सिंपली कम करके ब्लैक को बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से। देन आपको सिंपली क्या करना है, आपको कलर टूल के अंदर क्लिक करके मिक्स टूल के अंदर जाना है, एंड मिक्स टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे जो रेड कलर के ह्यू को कम करके सैचुएशन को बढ़ा देना है। देन आपको सिंपली क्या करना है गाइस, यहाँ से आपको जाना है ऑरेंज के अंदर, तो ऑरेंज के जो सैचुएशन है इसको सिंपली कम करके लुमिनेशन को बढ़ा के फेस को गोरा करना है। तो इतना काम करने के बाद येलो कलर के अंदर जाना है, येलो के ह्यू को थोड़ा सा कम करके आपको सैचुएशन को थोड़ा सा करके बढ़ा देना है। देन आपको जाना है ग्रीन कलर के अंदर, तो ग्रीन के ह्यू को जिस प्रकार से बढ़ा के आपको सिंपली सैचुरेशन को बढ़ा के ऑलमोस्ट इतना रखना है, ठीक है। तो गाइस आप लोग इतना काम करने के बाद सिंपली आपको जाना है सियन कलर के अंदर, इसका ह्यू को फुल्ली माइनस करके सैचुरेशन को फुल हाई कर देना है। देन आपको ब्लू कलर के अंदर आके ब्लू के ह्यू को कम करके आपको सैचुरेशन को बढ़ा के ऑलमोस्ट इतना रखना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। देन इस कलर के अंदर आके इसका ह्यू को बढ़ा के आपको डन करके बैक चलना है, ठीक है। तो डन करके बैक चलने के बाद उसका टेम्परेचर को माइनस यहाँ पे 7 रखना है, एंड टीट को बढ़ा के 4, एंड वाइब्रेशन को बढ़ा के लगभग 25 के आसपास, एंड सैचुरेशन को 4 बढ़ा देना, ठीक है। देन आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना है ट्रायंगल टूल के अंदर। तो गाइज मैं ट्रायंगल टूल के अंदर आके सबसे पहले फोटो का टेक्सचर को बढ़ाऊंगा लगभग यहाँ पे 10, एंड क्लियरिटी को बढ़ा के लगभग ऑलमोस्ट रखूंगा इसको मैं 8 के आसपास, डीएस को 4 बढ़ा के विग्निटी अमाउंट को माइनस रखूंगा लगभग करके यहाँ पे 25 के आसपास। देन आपको सिंपली क्या करना है, आपको जाना यहाँ पे शार्पनेस टूल के अंदर, सबसे पहले फोटो का शार्पनेस को बढ़ा के यहाँ पे लगना है लगभग 45 के आसपास, राउंडनेस बढ़ा देना है, नो एचरेशन को बढ़ा देना है, यहाँ पे कलर नो एचरेशन को बढ़ा देना है, ठीक है गाइज। एंड यहाँ पे सिंपली क्या करना है, फोटो को स्मूथ को कम करके यहाँ पे डिटेल्स को बढ़ाना है लगभग यहाँ पे 17 के आसपास ही रखना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस। तो इतना काम करने के बाद देख सकते हो गाइस हमारा फोटो जो एकदम बन के रेडी हो जाएगा, जैसे कि भाई आप लोग देख सकते हो नवरात्रि के ऊपर फोटो देखने में कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही था, तो वीडियो आपको पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट और धमाकेदार एक टॉपिक के साथ, तो अगले गाइस बाय बाय, अपना ख्याल रखना।